आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा में भी वुकला की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें वुकला ने मोदी हुकूमत से कहा कि पिछले 4.5 साल से जो मोदी हुकूमत ने वादे किए थे उसे अपनी तकमील तक पहुंचाए। एहतजाजियों ने आगे कहा कि मोदी हुकूमत ने हुकूमत के 4.5 साल होने के बावजूद भी एक भी वादा पूरा नहीं किया, तो हम उन्हें किस बिना पर वोट दे। देखिए हमारे हाईटेक न्यूज के नुमाइंदे जफर खान की तफसीली रिपोर्ट। ऑल इंडिया बाल काउंसिल जो कॉल दिया है, पूरा भारत देश में ऑल बार एसोसिएशन को इंस्ट्रक्ट दिया है कि न्यायवादी का समस्या का ऊपर हम जितना बार फाइट कर रहा है, ये पार्टी लोगों सब मैनिफेस्टो में रख रहा है, मगर वो फुलफिल नहीं कर रहा है। अगर लास्ट टाइम व्हेन मैनिफेस्टोस वर मेड, दे वर सो मेनी एश्योरेंसेस गिवन टू द एडवोकेट्स, दे हैव allotted 5000 crores, they said that they will allot 5000 crore fund to the advocates community, magar ye haami jo diya hai wo fulfill nahi kara hai. Wo kya karna hai ki nyayavadi ko gruha samuday dena hai aur yuva nyayavadi ko stipend dena hai, senior nyayavadi ko pension dena hai, advocates protection act bhi अमल लाना है। ये सब हमारा डिमांड कर रहा है, जितना बार डिमांड कर रहे हैं तो भी ये चार एंड हाफ साल हो गया, अब तक गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। हम कोशिश कर रहा है बार काउंसिल आदेशानुसार यावत भारत देश में ऑल बार एसोसिएशन टूडे कंडक्टिंग प्रोटेस्ट प्रोग्राम डिमांडिंग फॉर फुलफिलमेंट ऑफ आवर एश्योरेंसेस गिवन इन द मैनिफेस्टोस। वी डिमांड ऑल द assurances are to be fulfilled. They are house plots to the advocates, stipend to the junior advocates, pension to the senior advocates, advocate protection act amal mein lana hai, aur jo bhi now demands hum kar raha hai wo fulfill karne ka hai. We koshish kar raha hai, we are demanding for them. If the government will not come forward to fulfill these demands, we will take serious steps in this regard. And bar council of india ka adhyaksh sir, hum next course of action we will decide it. Thank you. Aapka naam sir? I am Lakshmikant, advocate. Logon ki namaste sab logon ka. Pehle hamara डिमांड्स क्या है बोले तो, वादा किया था हमको ये पूरा करने के लिए, ये इलेक्शन कोड भी आ रहे उसके लिए हम एक ही बार पूरा जिन्हें बोले वकील लोगों हमको डिमांड्स के लिए रिक्वेस्ट करे पहले, बाद में हम लोग पूरा डिमांड कर रहे, वो करने का है वो करता है, वही है हमारा बिलीफ। थैंक यू। आपका नाम? ये मैं विजयवाड़ा नगर से, हमारा लॉयर्स एसोसिएशन है डजाड़ा बार एसोसिएशन, इधर है, ये कैपिटल सिटी है आंध्र प्रदेश का। न्यूली हाई कोर्ट भी जनवरी 1 तारीख से इधर विजयवाड़ा में कैपिटल सिटी में काम कर रहा है, और अपना हाई कोर्ट फरवरी 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट जज से रीओपन हुआ। लेकिन ऑल इंडिया बार काउंसिल जितने राष्ट्रीय केंद्र प्रभुत्व है वो लोग पूरे उनको मैनिफेस्ट में वकीलों के लिए कुछ सहूलता, जूनियर वकील के लिए स्टाइफंड, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं एडवोकेट उनके लिए हाउस साइट्स, और सीनियर एडवोकेट्स के लिए कुछ सहूलता अनाउंस कर रहे हैं इलेक्शन के बिफोर, और 4.5 साल न्यू अब फिर भी इलेक्शन आ रहे हैं 4.5 साल उनके पूरा काम होने के बाद भी अब तक का वो मैनिफेस्ट में जो इम्प्लीमेंट करे अब तक का उसके ऊपर ध्यान नहीं दिए निनादे एडवोकेट के, इसमें वकीलों को बेनजर कर रहे हैं स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट है, जो बीसीसीआई भारत बीसीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो आज प्रोटेस्ट करो को ऑल इंडिया पूरे में भारत देश पूरे में प्रोटेस्ट करने के लिए मांग कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट के लिए अपना एसोसिएशन कैपिटल एसोसिएशन बेजवाड़ा बार एसोसिएशन से हम प्रोटेस्ट करने के लिए इधर रोड पर आए हैं, और केंद्र राष्ट्र प्रभुत्व को हुए सत्ता अंदर अपने डिमांड को फुलफिल करो को बोलते हैं। मैं विजयवाड़ा एडवोकेट है अब्दुल कुद्दूस बादशाह ए के बादशाह, बेजवाड़ा बार एसोसिएशन मेंबर है और अपने प्रेसिडेंट है।
मेरा नाम भूसी सतीश था, जो 2014 का पहले वो चंद्रबाबू नायडू और मोदी जी मिलकर के वकीलों को 10 उसका ऊपर हामी दिया, वो अभी तक वो कुछ नहीं किया। अभी इलेक्शन आया, इलेक्शन का पहले वो पूरा हामी फुलफिल करना था, नहीं तो लोगों ने वोटर कैसा आपको वोट डालेगा। मोदी जी आपको सीधा हमका ये प्रश्न ये पूछ रहा हूँ, और 2000 का पहले आपको वो जो हामी दिया ना अभी तक हमें पूरा किया नहीं। अब जो अभी इलेक्शन आया तो हमारे पास आके फिर वोट मांग रहे हैं, हमें कैसे आपको डाल दे, हमें सीधा बोल रहे हैं एडवोकेट को, तो न्याय करो, पहले न्याय करो। अब आंध्र प्रदेश में आया, मीटिंग रखा है, अभी जाया, मगर एडवोकेट का बारे में अब कोई भी एक वादा भी पूरा करना है, अभी फिर हमको कैसे वोट डालेगा, ये अच्छी नहीं है। पहले हमको आपका हामी जो दिया फुलफिल करो, कर लो। अभी जो आवाज दिया विषय ने आवाज दिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आवाज दिया, अरे हमें एक है अब दो ये करो, रेजोल्यूशन पास किया, उसका रेजोल्यूशन का ऊपर हमें कर रहा है। जूनियर है या सीनियर है? जूनियर है, जूनियर एडवोकेट हूँ। तो क्या मांग है आपकी मैडम? हमारे के लिए पाँच साल का स्टाइफंड देना है, वो स्टाइफंड हमारे के लिए देना है जूनियर एडवोकेट के लिए। आप कितने साल से आप ये कर रहे हैं मैडम? एक ईयर से, ये अभी फर्स्ट, हाँ अभी फर्स्ट ईयर है। और क्या क्या मांग है आपकी मैनिफेस्ट को? वेलफेयर है ना, वेलफेयर भी देना है हम के लिए, और रहने के लिए मकान भी नहीं है, हम सबको मकान को भी देना है सर। इलेक्शन के बारे में बोल गया, अभी तक नहीं किया, फोर एंड हाफ ईयर से बता रहे हैं, लेकिन अभी तो कोई फुलफिल नहीं किए, तो अभी आप लोगों की मांग है कि वो फुलफिल किया जाए? जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त विजयवाड़ा SR पेट में जहाँ हाईकोर्ट है वहाँ पर मैं आज खड़ा हूँ। यहाँ पे आज वकीलों ने एक रैली निकाली जिसमें उनकी मांग थी, उनकी आवाज़ थी कि जो पिछले साढ़े चार साल से जो मैनिफेस्ट चल रही है उस पर आप भी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो हमको इसकी जो मांगे किए गए, हमारे साथ जो वादे किए गए हैं, ये वादे पूरे करिए, शायद तभी आपको हमारा वोट मिल सकता है। ऐसा इन लोगों का और यहाँ के वकीलों का, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, उनका ये कहना है। मैं कैमरामैन सलमान के साथ ज़फ़र खान, हाईटेक TV न्यूज़ के लिए।